नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केके न्यूज़। जो करेंगे इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट की तरफ। खबर फिरोजाबाद से है, जहाँ पर जुमे के दिन को लेकर जिले में आगरा जोन आईजी ने एक प्रेस वार्ता और समीक्षा बैठक आयोजन किया। आपको बता दें कि रिजर्व पुलिस लाइन से बगार में आईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और इस दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें माहौल खराब करने वाले लोगों के प्रति कड़ी व्यवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन को जिले में चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी के आदेश जारी किए हैं। जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ उनके साथ उनको किसी तरह से फंसाए वो किसी तरह फंसे नहीं, तो इस इन उद्देश्यों के बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हुई थी उसकी भी विस्तृत समीक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले फ्राइडे में ये सभी तैयारियां आपको सामने दिखेंगी और फिरोजाबाद में एक शांतिपूर्ण ढंग से वो दिन संपन्न होगा। साथ ही जो सोशल मीडिया को टूल बना करके किसी भी पक्ष के या संप्रदाय के लोग अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी या कंटेंट उस पर लिखते हैं तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से, जहाँ पर आगामी जुमे की नमाज को लेकर फिरोजाबाद जिले में हाई अलर्ट जारी है और शहर की फिजा का माहौल ना बिगड़े इसी को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने निर्देश पर फिरोजाबाद शहर में आईटीबीपी के जवानों को पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और विशेष सामुदायिक और मिश्रित आबादी वाले इलाकों की गतिविधि को चेक भी किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों से मुलाकात कर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है और गतिविधि को जांचा परखा जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के डाहनी गांव में एक अज्ञात व्यक्ति जब अचानक पशुओं के पास पहुंचे भैंस चोरी कर लेके चला गया। आपको बता दें कि तभी कुछ ग्रामीणों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पशु चोर की जमकर पिटाई की, जिससे पशु चोर की हालत बिगड़ गई। ग्रामीणों की सूचना पर दायर 112 पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में आई, जहाँ पर उसे भर्ती कराया है। ये कुछ लोग ये बता रहे थे कि चोर है, भैंसी को बोल रहा था, आम जनता ने पीटा है। पीटने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ हॉस्पिटल ले? हम जो फोन किया फिर आपको हॉस्पिटल में ले आए। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो काफी खराब है। ये कुछ लोग ये बता रहे थे कि चोर है। आज खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद रोड स्थित बहचटी में जल भराव की समस्या स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों के लिए बेहद गंभीर हो गई। आपको बता दें कि मार्ग पर जल भराव का मुख्य कारण जल निकासी ना होना है और बुधवार को युवाओं की आवाज सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश के संस्थापक और जिलायोजन समिति के सदस्य देव यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ दौरा किया, जिसमें जल भराव की समस्या को लोगों से अवगत कराया और लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नालों की सफाई कराई जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज शिकोहाबाद नगर पालिका में वार्ड नंबर 17 शिवनगर हम लोग लगातार मांग उठाते रहे हैं कि जल भराव की समस्या बनी हुई है, नाले की सफाई को लेकर के उठाते रहे हैं। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे दिया, डीएम साहब से भी हम लोग मुलाकात किए हैं, लेकिन उस समय तत्कालीन डीएम साहब अब नहीं है हमारे साथ में, वो तत्पर हो गए हैं। मेरा निवेदन एक ही है कि मुस्ताबाद रोड पे शिवनगर में जो जल भराव बना हुआ है, केवल नाले का बेस गलत होने की वजह से जल भराव बना हुआ है, केवल सफाई नहीं हो पा रही है, नाले का जुड़ाव सही नहीं हुआ है,
इसकी वजह से जब इतनी भीषण गर्मी में 2 फीट पानी भरा हुआ है हमारे घरों में और बरसात होगी उस समय क्या स्थिति होगी, हम सभी लोग इसी वजह से परेशान हैं कि पीओ साहब से भी निवेदन कर लिया कि नाले की सफाई और आज हमारे फिरोजाबाद से जहाँ पर जुमे को शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ने और अमन चैन बरकरार रखने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने कदम और आगे बढ़ा लिया और इसी क्रम में मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक आवश्यक बैठक का नालबंदान मस्जिद पर संपन्न हुई जिसमें विभिन्न मस्जिदों के मौलवी और पार्षदों की शिरकत की और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नौजवान तबके से अपील की है कि सभी लोग फिजूल की बातों में ना आए और अपने कामों पर ध्यान दें जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। देखिए आज इस सिलसिले में हम लोगों की मीटिंग हुई थी डीएम और एसपी के साथ और हम लोगों ने पूरा उनको आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे शहर में इंशाल्लाह अब आइंदा कभी जुमे में कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसी सिलसिले को लेकर हमने जो यहाँ हमें डीएम साहब ने एसपी साहब ने हॉट स्पॉट्स बताए हैं उन हॉट स्पॉट्स में से एक हमारा नालबंदान था, उसमें हम लोगों ने आज सारे उलमा ने आवाम के साथ मस्जिद के अंदर मीटिंग करी है और यही पैगाम देने के लिए मीटिंग करी है कि हमारे नौजवान कुछ ऐसे कामों में लगे जिससे देश भी। खबर बलरामपुर से है जहाँ पर तहसील उछवाड़ा के मधपुर चांद ओवलिया में दबंग ने तालाब को अवैध कब्जे से पाच कर मकान बना लिया और एक ग्रामीण ने निजी रास्ते को भी कब्जा कर लिया और अवैध कब्जे के चलते ग्रामीण के घर का रास्ता बंद हो गया है जिसके संबंध में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए लेखपाल राजस्व निरीक्षक विभाग के विपक्षी गण के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की नोटिस भी चस्पा दिया है लेकिन राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने अवैध लाभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के मकसद को ताक पर रखकर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, पीड़ित शासन प्रशासन को शिकायती पत्र देकर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। समस्या मेरा है, मेरे नंबर में आबादी वाले लोग कब्जा करके रखे, हम 3 वक्त न पाए, पैमाइश करवाए तो हमारे नंबर में आबादी वाले लोग घुसे हुए हैं और उनसे मैंने कहा कि सर जो है ये हटा लीजिए तो हटाने के राजी नहीं है, उसके अलावा जो है पूरे आबादी कब्जा करके तालाब भी कब्जा कर लिए हैं और हमको गांव में जाने के लिए आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। कौन कौन लोग हैं वो? उसमें है मोहम्मद अली उर्फ लिल्लाही, इब्राहिम और चिनकुन, ये 3 लोग जो है पूरा गाँव के ठेकेदार है, एकदम दबंग है, हमारे बोलने पे कोई सुनवाई नहीं है। हम इतना जब लेखपाल और कानून साहब सबको जो है लेटर भी दिया, सबको बड़े बड़े अधिकारी लोग को दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेखपाल साहब जो है चस्पा नोटिस भी हुआ वो भी चिपका के गए, फिर उसके बाद फिर वापस बनवा दिए घर तालाब के ऊपर। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए, जो भी है जैसा कुमार जो जितना है वो सब जो घर बनाए हैं सब हटाया जाए और नवीन। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केके न्यूज़ के साथ।